नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं भारत समाचार, और भारत समाचार के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे सेना के शौर्य की। सेना के शौर्य की गाथा तो आपने पढ़ी और सुनी होगी। आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाली भारतीय सेना के शौर्य को आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भपक उठा जवान जब क्रोध की ज्वाला भपकी, कर देगी कमाल चाल ये अपनी अब की। नजर उठाकर देख न दुश्मन, अब खैर नहीं तुम सबकी। सेना के साहस को देखकर रूह भी कांप जाए, खून की रफ्तार तेज हो जाए, शरीर से पसीना निकलने लगे। लेकिन चले जवान जिस राह पटल पर, निगाह टिकी है उन पर सबकी। डरते हैं ना हम किसी से, क्योंकि ये है वीरों की धरती। इन्हें मौत से डर नहीं लगता, दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, असंभव को संभव बनाना इनकी आदत में शुमार है। भारतीय सेना के पैरा कमांडो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इनका हौसला देखकर ही दुश्मन थर्राने लगता है, कांप उठती है जमीन जब कमांडो का पैर जमीन पर लगता है। भारतीय सेना के पैरा कमांडो हर कठिन दौर से गुजरते हैं, तभी तो दुनिया इनका लोहा मानती है। सर पर कफन बांधकर घर से निकले, जंग के मैदान में तिरंगा लहराया, दुश्मन के छक्के छोड़ाए और भारत की जीत का तिरंगा फहराया। गुलाबी ठंडक में पश्चिमी हवाओं के आते झोंकों के बीच सैनिकों के कर्तव्यों ने जोश भर दिया। सुखोई की ताकत हो या सेना की कदम ताल, टाइगर टोली हो तो जाट रेजिमेंट का हौसला, जाबाज सैनिकों के इस्तकबाल से दुश्मन थर्रा जाता है। कदम कदम पर, ताल ताल पर, धकधकाती भूमि पर हौसला जवान का, डर गया दुश्मन, थर्रा गया आसमान जब जवान ने आसमान में भरी उड़ान। अगली बार सीमा पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो कोई सबूत मांगने वाला नहीं मिलेगा। सेना के शौर्य को देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। हेलीकॉप्टर से दुश्मन के इलाके में घुसपैठ कर रही है, हेलीकॉप्टर से अपने टारगेट पर लो ओवर तकनीक द्वारा उतर रहे हैं। ये टैंक सभी ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए पीले और लाल रंग की लाइनों पर इख्तियार किए दुश्मन के डिफेंसेस को बर्बाद करेंगे। लगातार दुश्मन पर बमबारी कर रही है। हवा में हेलीकॉप्टर और हवा में सेना का जवान, नीचे गहरा पानी और रस्सी पर बीच में लटकता जवान, ये नजारे आपके होश उड़ा देने वाले हैं। विपरीत परिस्थितियों में जवान कैसे काम करता है ये आप साफ देख सकते हैं। कोस्ट गार्ड द्वारा कि हम कैसे शख्स को रेस्क्यू करते हैं, सदे तरीके से नीचे आ रहा है, ये देखिए उतर गया, और जल में उतरने के बाद में अब आगे की ये देखिए। मुझे लगता है ये डिमॉन्स्ट्रेशन है कि कोई डूबता है तो कोस्ट गार्ड वहाँ पहुँचे, कैसे उसका बचाव करें। शौर्य के प्रदर्शन के साथ युवाओं को भारतीय सैन्य बल का हिस्सा बनने के लिए आकर्षित करना भी डिफेंस एक्सपो का लक्ष्य है। भारतीय वायुसेना के पंडाल में ऐसा ही नजारा दिखता है। डिफेंस एक्सपो में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी, और हो भी क्यों ना, सेना का शौर्य पहली बार लखनऊ में देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि तकनीक का ही सहारा, ये शरीर से भी बहुत मजबूत होते हैं, कद काठी से भी बहुत ही। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक भारतीय सेना की ताकत देखने के लिए लालायित नजर आ रहे हैं। टैंक की ताकत, जवानों की हिम्मत, धुआं ही धुआं, ये कोई जंग का मैदान नहीं लेकिन जंग के मैदान वाला अनुभव करा रहा है। ये टैंक सभी ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए पीले और लाल रंग की लाइनों पर इख्तियार किए दुश्मन के डिफेंसेस को बर्बाद करेंगे। मून शेप में पोजीशन अख्तियार कर ली है।
धुएं और धूल की चादर ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। बॉर्डर फिल्म जैसा अनुभव कराने वाला ये सीन सच में हौसला बढ़ाने वाला था। जिन टैंकों ने साथ मिलकर रीऑर्गेनाइजेशन को अंजाम दिया है, तमाम टैंकों ने हाफ मून शेप में पोजीशन की तरफ ब्रेकआउट के लिए तैयार हैं। ये नजारे एहसास कराते हैं कि हम सोने की चिड़िया हैं, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, हिमालय मस्तक है और कश्मीर किरीट है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने अपना मुद्दा हासिल कर लिया है और अपनी कामयाबी का सिग्नल तुरंत ही देंगे। मून शेप में पोजीशन अख्तियार कर ली है। लखनऊ में लगे 11वें डिफेंस एक्सपो के दूसरे दिन सेना ने कमाल के करतबों से दर्शकों को अचंभित कर दिया। वो तस्वीरें आप भी देखिए। हेलीकॉप्टर से दुश्मन के इलाके में घुसपैठ कर रही है। हेलीकॉप्टर से अपने टारगेट पर लो ओवर तकनीक द्वारा उतर रहे हैं। ये टैंक सभी ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए पीले और लाल रंग की लाइनों पर इख्तियार किए दुश्मन के डिफेंसेस को बर्बाद करेंगे। आर्टिलरी लगातार दुश्मन पर बमबारी कर रही है। लखनऊ में आयोजित हो रहे डिफेंस एक्सपो में सेना के जवानों ने अपने कर्तव्यों से वो समा बांधा कि जिसने देखा वो भारतीय सेना के अदम्य शौर्य को देखता ही रह गया। कैप्टन दिशांत कटारिया, कैप्टन दिशांत कटारिया और उनकी टीम। एक्सपो में दिखा सेना का पराक्रम। लगातार दुश्मन पर बमबारी कर रही है। आकाश में गरजे जेट, जमीन पर टैंकों की धमक। ये टैंक सभी ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए पीले और लाल रंग की लाइनों पर। बाइक स्टंट कर रहे जवानों ने कर दिया हैरान। पैराशूट से कूदकर अटकाई लोगों की जान। भारतीय जवानों ने एक बार फिर से लखनऊ की जमीन पर अपने कर्तव्यों से डिफेंस एक्सपो में आए लोगों को हैरान करके रख दिया। हवा में सेना के हेलीकॉप्टरों ने वो कर्तव्य दिखाए कि लोग आसमान को ही निहारते रह गए। इज द हेवी लिफ्ट ट्विन रोटर चॉपर टुडे लेड बाय स्क्वाड लीडर कमल शर्मा VSM एंड स्क्वाड लीडर कन्हैया कौशिक। The ground formation today is led by Commandant Siddharth Bhandari and flanked by Commandant Sahil Oberoi and Commandant AR Kalingal. More powerful engines and better avionics and renamed as Kiran. The formation is led by Wing Commander Nalin Sahni, flanked by Wing Commander Vivek Singh and Wing Commander SK Mishra. एक तरफ हवा में करतब करते भारतीय विमान थे तो दूसरी तरफ जमीन पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का काम करते भारतीय थल सेना नजर आ रही थी। थल सेना ने पहले बोफोर्स से आर्टिलरी की, दूसरी तरफ भारतीय टैंक युद्ध क्षेत्र में कैसे दुश्मनों को नेस्तनाबूत करते उसका पूरा डेमो जनता के सामने करके दिखाया। ये टैंक सभी ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए पीले और लाल रंग की लाइनों पर इख्तियार किए दुश्मन के डिफेंसेस को बर्बाद करेंगे। पलटन पता है, ऐसे आ गए पता है।
पोजीशन अख्तियार कर ली है। थल सेना ने पहले बोफोर्स से आर्टिलरी की तो दूसरी तरफ भारतीय टैंक युद्ध क्षेत्र में कैसे दुश्मनों को नेस्तनाबूद करते हैं उसका पूरा डेमो जनता के सामने प्रस्तुत किया। सेना ने अपने हथियारों के दम पर दुश्मनों के खात्मे का लाइव डेमो जनता के सामने रखा। तो वहीं जाबाज जवानों ने अपने कर्तव्यों और स्टंटों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कभी जवान बाइक को आग से निकालते नजर आए तो कभी ऐसे करतब करते नजर आए कि देखने वाले दंग रह गए। मोटरसाइकिल के लैडर के ऊपर खड़े होकर राइडिंग करते हुए आपके सामने हवलदार सुजीत मोंडल और नायक डीडी चोपड़े। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो में भारतीय सेना अपने अदम्य साहस और शौर्य से दर्शकों को रूबरू करवाया और सेना की तेजी सही तालमेल और सटीकता से लोगों का ध्यान ही नहीं हट पाया। ब्यूरो रिपोर्ट भारत समाचार। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने अपना मुद्दा हासिल कर लिया है और अपनी कामयाबी का सिग्नल तुरंत ही देंगे। मून शेप में पोजीशन अख्तियार कर ली है। सेना के वो जवान जो जान की बाजी लगाकर कैसे चंद मिनटों में दुश्मनों का नामो निशान मिटा करते थे, हम आपको दिखाते हैं उस सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी गाथा। आखिरकार सर्जिकल स्ट्राइक होती कैसी है वो हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। 350 जिस सर्जिकल स्ट्राइक की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी थी उसकी वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अभी तक आपने फिल्मों में ही देखा होगा। मौका था डिफेंस एक्सपो में एयर शो का, सामने थे प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी, लेकिन इस नजारे को पूरी दुनिया ने देखा, आप भी देखिए। पल में सेना का फौलादी पराक्रम, सर्जिकल स्ट्राइक की सच्ची तस्वीर, पूरी प्लानिंग से दुश्मन ढेर, सैनिक तोप और प्लानिंग का प्रदर्शन, कहानी आप समझ चुके हैं। अब तस्वीरों को देखिए कैसे सेना की टुकड़ी दुश्मन को नस्तनाबूद करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में आ गई है। 55 मिलीमीटर बोफोर्स गन और 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम या एटैक्स डिप्लॉय हो रही है। जैसे ही सेना के जवानों ने सब कुछ अपने मुफीद पाया, दुश्मन पर हमले की तैयारी हुई और देखिए कैसे दुश्मन पर शोले बरसाती बंदूकों तोप के गोलों से विनाश की कहानी लिख दी गई। वह समय आ गया है जब हम आक्रमण करके वृंदावन पर वापस अपना कब्जा करेंगे। क्या सभी तैयार हैं? ओवर। बहादुर पलटन, हम तैयार हैं। ओवर। आतंकियों को मौत के घाट उतारकर ऑपरेशन खत्म होते ही आसमान में तैनात वायुसेना के विमान जवानों को सुरक्षित ले जाते हैं। तो उसने अपने आप को हेलीकॉप्टर से सिक्योर कर लिया है। लखनऊ में लगे 11वें डिफेंस एक्सपो में सेना के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक का वो नमूना दुश्मनों के सामने पेश किया। सर्जिकल स्ट्राइक का प्रदर्शन करके सेना के जवानों ने साबित कर दिया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना कितनी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट भारत समाचार। भारतीय वायुसेना ने भी अपना दम दिखाया। वायुसेना के जवानों ने आसमान पर अपने कर्तव्यों से दुश्मनों के खेमे में
निश्चित तौर पर खलबली मचा दी है और ये दिखा दिया है कि देख लो हिंदुस्तान की ताकत को। हवा में विमानों ने दिखाई ताकत, दुश्मनों की कापी रूह, देख लो इमरान, ये हैं हमारे विमान। लखनऊ में डिफेंस एक्सपो के उद्घाटन समारोह के बाद सेना के जवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। जांबाज जवानों के दम को देख दुनिया हैरान रह गई। Hindustan Aeronautics Limited, and upgraded by HAL with powerful engines and better avionics and renamed as Kiran Mark II. It is led by Wing Commander Narin Sahni and flanked by Wing Commander Joshi and Wing Commander Mishra. सेना के शौर्य प्रदर्शन में सबसे पहले मौका भारतीय सेना के हेलीकॉप्टरों और लड़ाकू विमानों को मिला और वायुसेना ने अपने दमखम से दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। विंग कमांडर एन दीक्षित एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट नवीन हरी तेजस की आकृति। इस फॉर्मेशन को हम समर्पित करते हैं हर उस व्यक्ति को जिनके परिश्रम व दूरदर्शिता के कारण भारत में ही एक विश्व स्तरीय लड़ाकू विमान का निर्माण संभव हो सका। देवियों एवं सज्जनों, आपकी बाई ओर जनरल क्लॉक से तेजस फॉर्मेशन। वायुसेना के शौर्य को खुद पीएम मोदी, रक्षा मंत्री और योगी आदित्यनाथ ने देखा। आसमान में कर्तव्य दिखाते वायुसेना के जवानों ने अपने कर्तव्यों से साबित कर दिया कि भारत की वायुसेना के आगे कोई भी दुश्मन टिक नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। हरिजी का जीता जागता उदाहरण आपके ठीक सामने। एक बार फिर नंबर 7 विंग कमांडर अनूप। लखनऊ में हुए डिफेंस एक्सपो में भारत की सामरिक ताकत का प्रदर्शन देखने को मिला। ऐसे ऐसे हथियार और मिसाइल रखे गए जो किसी भी दुश्मन के होश फाकता कर सकते हैं और उनके होश ठिकाने पर लगा सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप। डिफेंस एक्सपो में ताकत की नुमाइश। देसी हथियारों से डरे दुश्मन, जमीन से आसमान तक जलवा, न्यू इंडिया की बेमिसाल ताकत। आसमान हो या फिर जमीन, भारत की सेना दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। डिफेंस एक्सपो में इसी ताकत का प्रदर्शन किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं भारत की सेना के पास कौन कौन से हथियार हैं और भविष्य में कौन से हथियार मिलने जा रहे हैं। आकाश मिसाइल। सबसे पहले डीआरडीओ की तरफ से बनाए गए आकाश मिसाइल को दिखाया गया है। ये मिसाइल आधुनिक स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई है। जमीन से हवा में मार करने की क्षमता वाली इस मिसाइल की रेंज 25 किलोमीटर है, जो 720 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दुश्मन के पास जाकर गिरती है। डिफेंस एक्सपो में भारत की ताकत देखने को मिलेगी, जो रक्षा संपदा है भारत की वो देखने को मिलेगी। भारत कितना मजबूत है हथियारों के मामले में, इस दुनिया में जो भारतीय सेना है वो कितनी इक्विप्ड है, ये देखने को मिलेगी। ये डीआरडीओ की तरफ से तैयार ब्रह्मोस मिसाइल है और इसकी चर्चा बहुत लंबे समय से हो रही थी। इसको भी यहाँ पर डिफेंस एक्सपो में शोकेस किया गया है।
ये जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तैयार की गई है। 25 किलोमीटर इसकी रेंज है और 720 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये मार करती है। ये एक अचूक हथियार के रूप में इसको भारतीय सेना में इसको कमीशन कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है और भारतीय सेना को इस पर गर्व है क्योंकि जो इसकी मारक क्षमता है ये दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है। और जिस तरह इसको डिजाइन किया गया है, भारतीय सेना ने इसको अपनाया है और जमीन से अगर हवा में मार करना हो तो इससे अच्छा कोई और हथियार नहीं है भारत के पास। शॉर्ट रेंज की ये सबसे अच्छी मिसाइल है, 25 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। जमीन से हथियार में पलक झपकते ही दुश्मनों के होश ठिकाने लगा सकती है और इसको भी इस डिफेंस एक्सपो में लाया गया है। दर्शकों के बीच में खासी दिलचस्पी है इस आकाश मिसाइल को लेकर के और यहाँ शोकेस किया गया है, तमाम दूर दूर से लोग आ रहे हैं इस आकाश मिसाइल को देखने। ATAGS टैंक, अत्याधुनिक तकनीक से बन रहे इस तोप को टाटा कंपनी की तरफ से तैयार किया जा रहा है। ये गन आज के समय की सबसे आधुनिक और सबसे ज्यादा दूर तक मार करने वाली गन है। इसकी रेंज 50 किलोमीटर है। अभी इस गन की 48 किलोमीटर की रेंज की टेस्टिंग हो चुकी है। तो एक सबसे खास बात इस पूरे डिफेंस एक्सपो में हमने देखा कि टाटा मोटर्स की तरफ से, टाटा का एक प्रोडक्ट है, टाटा डिफेंस की तरफ से ये बनाया गया है और इसको ATGS यानी एडवांस्ड टोन्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, और ये अपने आप में बेहद अनूठी ये गन है। भारत की अगर कहा जाए सबसे आधुनिक अत्याधुनिक गन होगी। हालांकि अभी ये ट्रायल स्टेज पर है, इसको अभी भारतीय सेना को कमीशन नहीं किया गया है, भारतीय सेना को अभी सौंपा नहीं गया है। क्या क्या खास है इसमें अगर कहा जाए सबसे आधुनिक गन इसको कहा जा सकता है? इसके अंदर जितने सिस्टम्स है पूरा इंडियन मेड इन इंडिया का ही है, कोई बाहर से कोई कुछ ऐसे कोई चीज नहीं लिया गया, सॉफ्टवेयर से लेकर हर चीज इंडिया टाटा और से ही बनाया जा रहा है और हमारे एक इंडिया की कंपनी से ये इसको बनाया जा रहा है। अच्छा, इसकी रेंज क्या बताया जा रहा है कि ये 50 किलोमीटर रेंज का है? इसको अभी तक हमने 48 किलोमीटर रेंज का इसका फायर किया है, ट्रायल हो चुका है। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया, नहीं मिर्ची धनिया हल्दी MDH, रूप मंत्र आयुर्वेदिक।